नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा के बारे में आखिर क्या लोग सोचते हैं, आखिर कैसी है राय उनकी डेरा में, जो भी लड़कियाँ आती हैं उनकी सेफ्टी को लेकर, और जो भी लोग आते हैं आखिर उन्होंने क्या देखा जो आज भी गुरु जी को अपना भगवान मानते हैं और उनकी तुलना उस चीज़ से करते हैं कि हमारे संत पे भी एलिगेशन लगे। बस एक तरीके का इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। आखिर क्या देखा उन्होंने, जानते हैं लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? लीला राम। सर डेरा से कब से जुड़े? डेरे से 25-30 साल हो गए। अनपढ़ हाँ जी। सर 30 साल आपको हो गए जुड़े हुए, तो यहाँ पे आप आते रहे हो? हाँ जी आते रहे। सर कैसा माहौल देखा है आपने गुरु जी के यहाँ? पूरा बहुत बढ़िया माहौल है जी। सर आप कहते हो बढ़िया माहौल देखा है, मगर ये चैनलों पर इतनी गंदगी क्यों दिखाई गई है? ये दो जी, जिसको समझ ले नीचे गिर गए, जिसको पता नहीं हैगा भी इसके बारे में कैसे कुछ लेगा किस तरह, इसके बारे में मानू नहीं पता। मान तू जो नज़ारा उरा देखे ना, कहने सुनता बार है जी। सर आप कहते हो कि गुरु जी के यहाँ पर अच्छा माहौल देखा है, आप जी भी आप विश्वास करते हो आप अपने गुरु पूरा जी पूरा कि मेरा गुरु गलत नहीं है? नहीं जी, मेरा गुरु की गलत सुना दिनों। देखो जी, जेड़े काम साढ़े आड़े पड़े थे जी, पूरा आना था असी मजदूर दिहाड़िए जी जी, तो आज कोठियां में बिठा दिए सुनो हमारे गुरु ने, उसके कैसे देन दे सकते जिन, हम तो कई जन्म जन्म नहीं दे सकते गुरु का बदला। जो जिसनों हम इतना नज़ारा, ई 28 तारीख का अपना बच्चों का ब्याह था, 5 लाख रुपया ऐ पता नहीं किधरों आ गया, चक प्रेमी जी पिछे जगह लई फिर पाई, ऐ पता नहीं किधरों पैसा आ रहा था, सानू तो पता नहीं लग्या। लोग कहते हैं तुसी उत्थे तीसरा दिन बैग चक के जाते हो, थोनू की मिलता है? तो सतगुरु महाराज हम हुराज हाँ, सतगुरु महाराज काम पीछे करी जाता है, अपने आप करी जाता है, हम उसकी महिमा कैसे काम। लड़कियाँ सेफ हैं यहाँ पे हैं? लड़कियाँ सुरक्षित हैं अपने जी? एक लड़की है सर। लड़कियाँ कितनी सेफ हैं यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा के अंदर? पूरा लड़की तो जी अनपढ़ हो, मेरा खर्चा 200-300 तो नहीं। सर गुरु जी ने मानवता भलाई के लिए क्या कार्य करें है? मानवता भलाई के लिए क्या कार्य करें? बहुत बढ़िया बढ़िया जी, लड़कियाँ अपना जो इतने बढ़िया काम करे, मतलब गरीबों के मकान बनाने और मानो शिक्षा दी, पिंड पिंड में बंगीदास भी रहे हूँ जी पीछे, बहुत अपना भलाई के काम की शिक्षा दे, भले तो भले बढ़िया चिक्कड़ चको, गली साफ करो, ऐसे जितने भी हो सकें बद भलाई के काम कराए जी। सर वैश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियां हैं उनको गुरु जी ने मुख्य धारा से आखिर किस तरीके से जोड़ा? ऐसे लड़कियां जो भाई मतलब कैसे सुधारा? सर सुधारा ऐसे शिक्षा दे दे के भाई, मतलब इस तरह जब गुरु जी सत्संग करते हैं समझाते हैं, अपना आप बुराइयाँ छुट जा, मैं अपना आप पहला कोई पति नहीं था जी, सारी गलतियाँ करे करते वो जिदन के उ जुड़े हैं, अपनी दूसरी बहनों भी बहन तो सुची समझा, जो दूसरी सगी भरजाई है उसमें भी बहन का नाता मैं समझा हूँ। समाज को आज सर गुरु जी की जरूरत है? बिल्कुल जमी ज़्यादा छेती तो छेती। सरकार से क्या अपील करोगे जी? नहीं लगता जी डेरा तो बिना हमारा। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार तो जी हम कहते हैं भाई सरकार का तो देखो जी बिल्कुल कह ही नहीं सकते इतना, जित इस माहौल को देख कर गुरु तो नासे छिटा रहे थे सब कुछ, बहुत कुछ इतना चंगे चंगे काम करा रहे थे, तो फिर गुरु नु फिर भी चंगा नहीं लग गया, उन्होंने बहुत गलत काम करे जी, सरकार नु हम चंगे नहीं कहते इसके लिए। सर फिर ये जो मीडिया चैनलों पर इतनी जो गंदगी दिखाई गई, क्या कहना चाहोगे आखिर उस बारे में? जी हम तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं भाई, चंगा काम नहीं दिखाया है, चाहे किस तरह भी गलत दिखाया उन्होंने, असी चंगा नहीं कहते उन्होंने भी चंगा करया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने लगातार देखा कि मीडिया चैनलों के खिलाफ लोगों के बयान आ रहे हैं कि जो भी दिखाया वो बिल्कुल गलत दिखाया, पता नहीं क्या से क्या बनाकर दिखाया, साथ ही जो उनके 134 मानवता भलाई के कार्य हैं ना आज तक दिखाया गया है और ना ही उस टाइम दिखाया गया था जब एलिगेशंस लगाए थे। बात एलिगेशंस की नहीं है, बात यह है कि 134 जब मानवता भलाई के कार्य करे हैं डेरा सच्चा सौदा ने और इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो कि आज तक इतिहास गवा रहा है, आज तक कभी नहीं बने, तो ऐसा क्यों? हमारे देश का क्यों भला नहीं चाहती है मीडिया की चौथी स्तंभ जिसको इतना बड़ा दर्जा मिला है? क्या हमारे यूथ जो हैं वो पीछे नहीं खींच रहे, एक तरीके से उनका नुकसान नहीं हो रहा? लगातार ये सब बयान आ रहे हैं लोगों के द्वारा, एक बच्चे बच्चे के द्वारा, आखिर क्यों, क्या कारण है? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।